हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरी अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम की 5:30 बजे से, और मैं आ रखी हूँ आज इस टाइम पे अपने माइके, मतलब आ रखी नहीं हूँ, अभी जा ही रही हूँ। साथ में यहाँ पे है अद्विका और यहाँ पे है मिस्टर जी, और मिस्टर जी जा रहे हैं इस टाइम पे फिर से घनसाली, क्योंकि वो जा रहे हैं बड़ी वाली दीदी को लेने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मिस्टर जी जा रहे हैं अभी दीदी को लेने, तो दीदी भी आने वाली है साथ में। मैं और अद्विका यहाँ पे उतर चुके हैं, ये देखिए। और आज घनसाली में एक भी गाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से मिस्टर जी को लेने जाना पड़ रहा है, क्योंकि सारी बस और गाड़ियाँ लगी हुई हैं शादियों में इस वजह से। तो मैंने माँ को बुला दिया है और माँ हम लोगों को लेने आ रही है, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती, मेरे को डर लगती है। और साथ में मेरे पास सामान भी, एक ये बैग और एक वो बैग, कुछ सामान मम्मी और उन्हें मंगा रखा था वो उसमें है। और मम्मा पापा चल गए। क्या पापा? पापा चल गए। हाँ, पापा चल गए, तो मम्मी आ रही है। मम्मी ने बोला तब तक वहीं पे रहना, ऊपर मत आना। तो मैं और अद्विका यहाँ पे सड़क किनारे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं माँ का। तब तक आप इसके मम्मा आई। तो चलिए दोस्तों, अभी रात की बज रही है 8 और भाई और उसकी वाइफ हमारे लिए बना रहे। एला क्या चल रही हो? 65 65 65 तो दोस्तों मेरे भाई ने बनाया है गोभी 65 और पता नहीं सोयाबीन वाला भी था कुछ, तो 65 और कि 55 हम उसकी मजाक ही बना रहे, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और दोस्तों आप लोगों को मैं भाई और उसकी वाइफ से नहीं मिला पाई, क्योंकि उस टाइम पर ये लोग बिजी थे। और मैं आप लोगों को मिलाती हूँ अपनी बहुरानी से। भाई तो अभी इस टाइम पे बात कर रहा है फ़ोन पे, तो इसका भी बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्ट हो रहा है। तो ये हमारी बहुरानी, हाय कर दीक्षा। और ये ही बना रहे, क्या बोलो, 65। हाँ सोया 65, जो कि बहुत ही लाजवाब हो रहा खाने में। ये बना रही हमारी बहुरानी। और ये देखिए, ये है गोभी 65। तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ बना रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं। तो देख सको गांव में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो दोस्तों अब बैठ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, क्या चिल्लायो? मंचूरियन 60 नहीं बड़ा हो दीजिए भाई, ये खराब। तो दोस्तों हमने पहली बार खाया, मुझे पता नहीं इसका नाम ही याद ही नहीं हो पा रहा, 65 है कि 85 है। आजा चिकन 65 का रेसिपी है, पर हमारे घर में सब वेजिटेरियन है, तो हमने 65 वेजिटेरियन बनाया। हाँ, जो कि ये है सोयाबीन, ये क्या सोयाबीन 65 सोया बड़ी, और एक हमने खाई थी फूल गोभी का, तो वो उसका नाम भी रख दिया हमने फूल गोभी 65। तो काफी स्वाद बनाया है, तो थैंक यू दीक्षा, वेलकम। और ज्यादा टेस्ट इसलिए भी लग रहा है कि शादी के बाद, मतलब 8-10 महीने बाद हमने फिर से दोबारा दूसरी बार बहुरानी के हाथ से कुछ खाया है, जो कि बहुत ही लाजवाब हो रहा है। और जो इसने फर्स्ट टाइम हलवा बनाया था ना, वो भी बहुत ही टेस्टी था, हुआ तो थोड़ा थोड़ा था लेकिन बहुत टेस्टी हुआ था। ये देखिए, और हम तीनों चारों हैं किचन में, बाकी ये 2-3 है अंदर रूम में, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, कुछ लोगों ने खा लिया है, बाकी पापा मैं और दीदी हम तीनों मिलकर खा रहे हैं, बाकी सभी लोगों ने खा लिया। हमने बहुरानी को भी खिला दिया था, यानी कि दीक्षा को भी हमने खाना खिला दिया था, और वो धोरी है बर्तन, और हम लोग खाना खाते हैं और फिर करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ी देर नहीं, अब तो सोना ही है। खैर, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कल के ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, और देख रहे होंगे आप लोग मैंने अपनी रसोई यहाँ पे सजा दी है, जिसमें कि मैं बना रही हूँ घर के सभी मेंबर के फेवरेट आलू के पराठे। और इस टाइम पे मिस्टर जी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं, और सबसे पहले नाश्ता बन रहा है उनके लिए,
और वो खाएंगे, वो जाएंगे स्कूल और बाकी हम लोग तब खाएंगे और तभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये आटा गूथा हुआ है और बाकी आटा अब गूथूंगी। बाकी ये मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है, मतलब ये दीक्षा ने रेडी किया है। बाकी मैंने इसमें नमक मिर्ची मिलाई है और मैं बना रही हूँ फटाफट से चूल्हे में गर्मा गर्म पराठे। तो चलिए दोस्तों, मिस्टर जी तो चले गए स्कूल, बाकी सभी लोग यहाँ पे उठ चुके हैं। भाई भी उठ चुका है और कुछ लोगों ने नाश्ता कर दिया है, कुछ लोग अब करेंगे, यानी कि अभी बनाऊंगी मैं। मैंने कहा तब तक मैं आप लोगों को पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा भी दिखा देती हूँ। और इसी के साथ आज हमारे गाँव में पार्टी भी है, जो मेरे फ्रेंड की शादी थी देहरादून में, वो लोग गाँव में भी पार्टी कर रहे हैं और उनके घर पर आज दावत है, दिन का खाना है, तो वहाँ पे हम लोगों को भी इनवाइट कर दिया है, मुझे और दीदी को। तो हम वहाँ पे भी जाएंगे दिन के टाइम पे, और फिर यहाँ से वापसी भी होगी हमारी आज अपने अपने घरों के लिए। तो देखते हैं आज जा पाते हैं या फिर कल सुबह जाते हैं, देखते हैं। इसी के साथ आप लोगों को माइके के पहाड़ों का नज़ारा भी दिखा देती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी की गप्पे सप्पे चल रही हैं। पापा बता रहे हैं कि हमारा घर सबसे पुराना है ये वाला, और सबसे बड़ा घर था हमारा पूरे गांव में उस टाइम पे, लेकिन अब इनसे भी बड़े बड़े घर बन चुके हैं, जैसे कि वो भी बहुत बड़ा घर है। और यहाँ पे इन सभी की सभा बैठी हुई है, ये देखिए। आज वृक्षारोपण जो कि माँ कर रही है यहाँ पे, ये मम्मी ने लगा दिया एक माल्टे का पेड़, बाकी एक वाला पेड़ लगा रही है यहाँ पे दीक्षा, और अभी दीक्षा यहाँ से पानी भर रही है, ये देखिए। और आदमी का ना अपनी मामी की पूंछ बनी हुई है, दीदी ने अभी आटा भी आटा उटा रखा, हाँ ड्रम पे रखा है। हाँ उसको शौक भी है, कह रही है कुटली कुटली बड़ा करना मामा, आटा फोन गाड़ दे अपना, आ तू गर्दन हटा बेटा यहाँ से, नहीं करना वो बड़ा ते आपको टपार दान तुम। और दोस्तों ये ना वीडियो में दिखाने के लिए नहीं है, वो एक वृक्षारोपण करना हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से कि मैं दीक्षा से मम्मी करवा रही है, मैं तो नहीं, मैं तो सिर्फ ब्लॉग बना रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे लगाएगी दीक्षा, और ये ना ऋषभ की साइड है और वो आदि की साइड है, यानी कि ये चाचा जी वाली साइड है, वो पापा वाली साइड है, ये जेठ जोरों के लगा रही है। हाँ ये अपने जेठ होरों के लिए लगा रही है यहाँ पे, ये इधर भी देख वा अले दीक्षा ये था भी देख। चलिए दोस्तों, आज खाना बनाने की छुट्टी है, इस टाइम पे समय हो चुका है, 12 बज चुकी है, और ये लोग तो वहाँ पे लगे हुए हैं सगवाड़ी में, बाकी यहाँ पे मैं चूल्हा वगैरह हटा देती हूँ। तो आप सभी लोग अपने अपने कामों में लग चुके हैं, दीदी कर रही है रूम की सफाई, मैं पता नहीं क्या करूँगी, बाकी भाई और दीक्षा यहाँ पे मशीन पर कपड़े धो रहे हैं सभी के, जितने भी लोगों के हैं ये देख सकते हैं आप लोग। और मम्मी चली गई वहाँ पे, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, ये देखिए ये दोनों धुलेंगे कपड़े, सभी के कपड़े। दादी तेरे भी छा कपड़ा ओन देता, देख छा दादी के भी कपड़े ला ले। और दादी छत पे बैठी हुई है, लगते हैं फटाफट से अपने कामों पे। तो हम लोग दावत खाने के लिए रेडी हो चुके हैं और इस टाइम पे जा भी रहे हैं, सभी लोग पंगत में बैठ चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ, बाकी सभी लोग आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों ये है दुल्हन और दूल्हा, बाकी ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं नहीं बहुत हाँ मोहन बहुत लोग हाँ जी तन भी नुआ दोस्तों, दावत खा के हम लोग घर पे आ चुके हैं और हमें नेक में लिफाफे भी मिले हैं और साथ में एक एक मिठाई के डब्बे भी, तो विदाई भी हमारी बहुत अच्छी हुई है। बाकी सभी लोग घर पे आ चुके हैं, यह है भाभी हमारे आई, और
ये हमारी प्रियांशी, ये मेरी भतीजी है, ये छोटा सा गुड्डा, ये देखा। छोटी वाइफ घूमने चले गए मंदिर तक, बाकी मम्मी पापा हैं अंदर और दीदी यहाँ पे है। क्यों है? क्योंकि अब दीदी का होगा फेशियल, अभी सो गई है और दादी भी बॉन्ड है। पापा चाय बना रहे हैं और हम करते फटाफट से फेशियल। चाय बना रहे हैं, मैं हाफ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं अभी अभी भाग भाग के नीचे से आई हूँ इस वजह से। दोस्तों दीदी का जो काम करना था वो मैंने कर दिया है, बाकी यहाँ पे पापा और उनकी बहू यहाँ पे बना रहे हैं। क्या बना रहे हो भाई? रसम है? रसम रसम बन रहा है। कौन रसम? जब खा रहा था। क्या है ये, वेजिटेरियन है कि नॉन वेज वाला है? वेज। हाँ वेज, क्योंकि हम नॉन वेज वाले हैं भी नहीं, तो रसम बन रहा है। तो देखते हैं टेस्ट करके, खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है, तो देखते हैं खा के कैसा होता है। खाने वाला है कि पीने वाला है? पीने वाला है, कह रही की पीने वाला है। तो ये दोनों लगे हुए हैं कुकिंग पे और मम्मी ने अभी तक बर्तन वगैरह धुले और मम्मी अभी पता नहीं क्या क्या काम पे लगी हुई है। बाकी मिस्टर जी भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आज फिर से मिस्टर जी को यहाँ बुला दिया है, क्योंकि हम लोगों का भी रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो दावत थी उस दावत में और फिर गांव में दो चार लोग मिल गए थे, जिसकी वजह से कि हमें लेट हो गया था और यहाँ से गाड़ियाँ मिलना संभव नहीं है, गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से कि मैं और दीदी अपने घर नहीं जा पाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को मैं इतना रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ ऐसी नई वीडियोज़ के साथ नए दिन नई सुबह की शुरुआत से। जय देव भूमि उत्तराखंड। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।